हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की, और हेडलाइन को देख सकते हैं कि 27,000 करोड़ लेकर इस कंपनी को खरीदने निकले अदानी, रेस में कहीं दिग्गज। रिपोर्ट को पूरी ज़रूर देखें, मतलब कि कुछ लोगों को शायद इसके बारे में पता होगा, कुछ लोगों को नहीं। कौन सा है शेयर, उसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। ये शेयर भी जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो इसके अंदर भी अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। इसके ऊपर आप अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। अगर गिरावट भी आती है तो भी इसके ऊपर आप चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। आगे देखें कि गौतम अदानी की पावर कंपनी अपने बिजनेस का तेज़ी से विस्तार कर रही है। अदानी पावर, उनकी बात हो रही है। अदानी पावर ने एक कंपनी को खरीदने के लिए बोली लगाई है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अदानी पावर ने KSK महानदी पावर के लिए 27,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। ये कंपनी दिवालियापन प्रक्रिया से गुजर रहा है और जिसकी क्षमता 1800 मेगावाट है। तो अगर मतलब कि ये कंपनी ये खरीद लेते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको फायदा हो सकता है, क्योंकि इसकी क्षमता जो है 1800 मेगावाट है, तो इसकी कैपेसिटी बढ़ सकती है अदानी पावर की, उससे इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू भी बढ़ सकता है कहीं ना कहीं, ऐसा लग रहा है। लेकिन वक्त लग सकता है उसमें। अब आगे देखते हैं कि अदानी के अलावा इस कंपनी के लिए कई अन्य कंपनियों ने भी बोली पेश की है, जिसमें सरकारी कंपनी से लेकर प्राइवेट कंपनियाँ तक शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर अदानी की बोली टॉप पर रहती है तो इस अमाउंट के से कंपनी के कर्जदारों की 92% पैसे की रिकवरी हो जाएगी। बताया जा रहा है कि इस कंपनी पर 32,240 करोड़ रुपए का कर्ज है। रेस में है ये 10 दिग्गज कंपनियां। इसको भी देख लेते हैं कि पावर कंपनी को खरीदने के लिए अदानी समेत कुल 10 कंपनियां रेस में है। इन्होंने जो है बोली पेश की है। सो रिपोर्ट के अनुसार अदानी पावर के अलावा इस लिस्ट में ये सब कंपनियां मौजूद है, जैसे कि कैपरी ग्लोबल होल्डिंग्स, कोल इंडिया, NTPC, वेदांता, JSW एनर्जी, नवीन जिंदल के मालिकाना हक वाली कंपनी जिंदल स्टील एंड पावर, फिर आई लैब इंडिया स्पेशल एंड और रश्मि मेटालिक्स और श्रीसा होल्डिंग। तो ये सभी कंपनियों ने भी जो है बोली लगाई है। तो मतलब कि ये कंपनी अगर अदानी ग्रुप के पास आ जाती है तो अदानी पावर के पास आ जाती है तो उनको अच्छा फायदा हो सकता है, ऐसा लग रहा है। अब आगे देखते हैं कि वैल्यूएशन से 5 गुना ज़्यादा बोली। सो इस साल खबर आई थी कि NTPC छत्तीसगढ़ की KSK महानदी पावर कंपनी को खरीदने के लिए रेस में शामिल हो रहा है। इस दौरान सरकारी कंपनी ने इसका वैल्यूएशन 5,000 करोड़ रुपये तय किया था। ऐसे में अदानी पावर ने इस कंपनी के वैल्यूएशन से 5 गुना से भी ज़्यादा बोली पेश की है। हालांकि अभी तक NTPC की बोली सामने नहीं आई है। बता दें कि अप्रैल 2022 से KSK महानदी कॉरपोरेट इंसोलेंसी प्रोसेस से गुजर रहा है। कंपनी के मार्च 2018 में डिफॉल्ट कर गई थी। इस कंपनी के ऊपर तब 21,760 करोड़ रुपये का कर्ज था। शुक्रवार को अदानी पावर के शेयर 1.5% के आसपास की गिरावट के साथ ये 726 रुपये पर पहुँच गए। मतलब कि ये शुक्रवार की बात है, पिछले शुक्रवार की, ये इसको आप देख सकते हैं, मतलब कि तब ये प्राइस होगा इसका। सो आज के वीडियो में इतना ही, और इस अगर देखें तो ये पावर, जैसे कि हमने देखा कि ये अगर कंपनी अदानी पावर को मिल जाती है तो अच्छा रह सकता है कहीं ना कहीं, तो इसके ऊपर आप अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। गिरावट अगर कुछ आती है तो उसके ऊपर आप चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। वैसे कई अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर हम डेली या फिर टाइम टू टाइम टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।